अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शमाइला शफकत। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह ठीक होंगे और खैर आफियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ बहुत सी मज़ेदार स्पाइसी दही भल्ले। तो चलिए दही भल्ले बनाना स्टार्ट करते हैं। तो स्पाइसी भल्ले बनाने के लिए एक कप मैंने लिया बेसन, इसे मैं एक बाउल में डाल दूँगी। हाफ टी स्पून मैंने लिया अजवाइन, हाफ टी स्पून ज़ीरा, हाफ टी स्पून सुरख मिर्च का पाउडर और हाफ टी स्पून ही मैंने नमक लिया, वो इसमें डाल दूँगी। और थोड़ा सा मैंने लिया बेकिंग सोडा, इतना सा मैं इसमें डाल दूँगी। और पानी से इसका मैं अच्छा सा बैटर बना लूँगी। बैटर बहुत अच्छा मिक्स हो गया भल्लों का। अब मैं इसमें डालूंगी चॉप की हुई प्याज, 3 टीस्पून इसमें डाली है मैंने चॉप की हुई प्याज, और इसे अच्छा सा मिक्स कर लूंगी सब चीजें डाल के। मैं सब्ज कटी हुई मिर्च डालूंगी इसमें मैं 1 टीस्पून, सब्ज कटा हुआ धनिया डालूंगी 2 टीस्पून, और इसे अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूंगी। भल्लों का बैटर बहुत अच्छा मिक्स हो गया, और मैंने ऑयल भी पैन में गर्म होने के लिए रखा हुआ है मीडियम आंच पे। ऑयल गर्म हो जाए तो फिर मैं इसमें भल्ले फ्राई करती हूँ। ऑयल हमारा बहुत अच्छा गर्म हो गया, अब मैं इसमें भल्ले फ्राई करूंगी। स्पून की मदद से मैं इसमें भल्ले डालूंगी। हाथ से भी हम भल्ले डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन मैं स्पून से ही डाल रही हूँ। बहुत मज़े के भल्ले बनते हैं स्पाइसी। इसी तरह से मैं भल्ले डालती जाऊँगी और सारे फ्राई कर लूँगी। भले मैंने डाल दिए ऑयल में फ्राई करने के लिए सारे, इनके मैं साइड चेंज कर रही हूँ। बहुत ही अच्छे ही फूल रहे हैं और बहुत ही मज़े की इसकी खुशबू आ रही है। लाइट ब्राउन हो जाएंगे भले हमारे तो मैं निकाल लूँगी इसे। इसे मीडियम आंच पे मैं ऐसे ही फ्राई करूँगी, 2 से 3 मिनट लगेंगे और हमारे भले अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। बहुत मज़े के स्पाइसी भले बनते हैं, प्लेन बेसन के भी भल्ले बनते हैं, वो भी बहुत मज़े के लगते हैं, वो भी इंशाल्लाह हम बनाएंगे। ये अलग से होते हैं स्पाइसी भल्ले, ये बहुत ही मज़े के होते हैं, ट्राई करें इसे आप ज़रूर, इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएंगे। बहुत ही प्यारे गोल्डन ब्राउन हो गए हमारे भल्ले, इसे मैं पानी में निकाल लूँगी। जो माछ की दाल के दही भल्ले बनते हैं उसे हम पानी में नहीं निकालते डायरेक्ट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नरम हो जाते हैं और टूट जाते हैं। जो बेसन के भल्ले होते हैं उसे हम पानी में निकालते हैं सीधा। दो मिनट हो गए पानी में मैंने निकाले हैं भल्ले, अब मैं इन्हें निकाल लूँगी पानी से, इन्हें निकाल लूँगी। और इस तरह से मैं ऐसे टॉवल पेपर पे डाल लूँगी। भले मैंने निकाले हैं टॉवल पेपर पर, अब मैंने दही लिए 1/2 kg, इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, फेंट लूँगी इसे अच्छा सा इसका। अब इसमें मैं डालूंगी
हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून जीरा, वन टेबल स्पून मैंने पिसी हुई चीनी डाली। इन्हें अच्छी तरह से मैं मिक्स कर दूंगी। बस दही हमारी मिक्स हो गई और बहुत अच्छी स्मूथ हो गई है। थोड़ी सी दही मैं अलग निकाल लूंगी। अच्छे मैं साइड पे कर दूंगी। अब एक डिश लूंगी, इसमें मैं लगाऊंगी जो मैंने भले निकाल के रखे हैं पानी से, थोड़ा सा इसे प्रेस कर लेंगे और इसमें लगाते जाऊंगी इस तरह से। तकरीबन इसमें पानी जो सा एक्स्ट्रा वो निकल चुका है। इसी तरह से मैं लगा दूंगी पूरी डिश में। बहुत ही सॉफ्ट भले बने हमारे और बहुत ही मजे के भले। मैंने सारी डिश में निकाल दिए। अब जो दही मैंने पैट के रखी थी वो इसके ऊपर डाल दूंगी। इसमें पानी वगैरह बिल्कुल मिक्स नहीं करना दही में, क्योंकि भले मैंने ज़्यादा प्रेस नहीं किया था, इसका पानी नहीं निचोड़ा था, बस टॉवल पेपर पर रख दिए थे, तो बहुत अच्छे ही हमारे भले हो गए थे। इसे सारे कवर कर लेंगे दही से। अब इसके ऊपर मैं डालूंगी इमली की चटनी जो मैंने बनाई थी रेड कलर डाल के, वो डालूंगी। सादा चटनी डालूंगी इसमें। मैंने धनिया, लहसुन और जीरा, नमक डाल के मैंने पीस लिए, ये डालूंगी। बहुत मजे की इस पे लगती है। इसमें मैं डालूंगी पापड़ी। और बारीक कटी जो प्याज रखी है वो मैं डालूंगी इसमें। टमाटर चॉप करके रखे हुए थे वो डालूंगी मैं इसमें। और बारीक कटी हुई सब्जी मिर्च है। इसमें मैं चाट मसाला डाल दूंगी। मैंने अलग से निकाली थी वो थोड़ी सी मैं और इसमें डाल दूंगी। बहुत मजे की ये लग रही है और चटनियों की बहुत ही मजे की खुशबू आ रही है। दही डालने के बाद इसके ऊपर मैंने दोबारा से चटनियां थोड़ी डाल दी ताकि देखने में ये बहुत अच्छी लगे। और थोड़ा सा मैं इसके ऊपर चाट मसाला दोबारा से स्प्रिंकल कर दूंगी। और बहुत ही मजे के दही भल्ले हमारे रेडी हैं। बहुत ही मजे के स्पाइसी दही भल्ले हमारे रेडी हैं। इन्हें आप जरूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। और दुआएं के अल्लाह पाक खुश रखे, आपकी तमाम नेक और जायज़ ख्वाहिशात पूरी करें, हमें भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।